हेलो एवरीवन माई सेल्फ प्रणव जैन और इस वीडियो में मैं आपको पेन पाथवेज के बारे में बताने वाला हूँ जो हमारी असेंडिंग पाथवे वाली वीडियो थी उसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा था डॉर्सल कॉलम पाथवे एंटीरो लेटरल सिस्टम एंड अदर असेंडिंग पाथवे तो जो हमारे एंटीरो लेटरल सिस्टम होते हैं जिनको हम स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट भी बोलते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट में और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट देन जब उसके बाद हमने एंटीरो लेटरल सिस्टम की वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट कैरी करता है सेंसेशन ऑफ पेन एंड टेम्परेचर और यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं पेन के पाथवे तो जो हमारा पेन होता है ब्रेन तक कैसे जाता है एंटीरो लेटरल सिस्टम के लेटरल स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट के थ्रू पेन दो तरह का हो सकता है स्लो पेन फास्ट पेन इसी वजह से जो हमारे पेन पाथवे होते हैं वो डिवाइडेड हैं दो टाइप में पेलियो पाथवे और नियो पाथवे इस वीडियो में मैं आपको पाथवे के बारे में बताने वाला सो पाथवे मेनली कैरी द सेंसेशन ऑफ स्लो पेन तो पेलियो स्पाइनोथेलमिक पाथवे कौन सा पेन कैरी करेगा हमारा स्लो पेन इट मीडिएट्स द पुअरली लोकलाइज पेन फ्रॉम डीप सोमैटिक एंड विसरल स्ट्रक्चर जो हमारा स्लो पेन होता है वो पुअरली लोकलाइज्ड होता है इसका रीजन हम आगे देखेंगे तो ये वाला जो पाथवे है स्लो पेन जो हमारा पुअरली लोकलाइज्ड होता है वो कहां से कैरी करके ले जाता है डीप सोमैटिक या फिर विसरल स्ट्रक्चर से द फाइबर्स आर मेनली सी फाइबर्स अब ये सी फाइबर्स क्या होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं लेट सपोज हमारे एबडोम में पेन हो रहा है तो वहां से रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे रिसेप्टर मैसेज किसको पास करेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन को तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन जो स्लो पेन को कैरी करके ले जाते हैं उनको हम बोलते हैं सी फाइबर्स तो अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन के बारे में तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन जिनको हम सी फाइबर्स भी बोलते हैं स्लो पेन को कैरी करके ले जा रहे हैं एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और टर्मिनेट कर जाते हैं लैमाइना टू ऑफ डोर्सल हॉर्न तो ये जो हमारे ये डॉर्सल हॉर्न है स्पाइनल कॉर्ड का इसमें टोटल सिक्स लेमाइना होते हैं तो सी फाइबर कहां टर्मिनेट करते हैं हमारे लेमाइना सेकेंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बिकॉज जो हमारा स्पाइनोथैलिमिक ट्रैक था उसके जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे वो कहां टर्मिनेट कर रहे थे फर्स्ट फिफ्थ और सेकेंड लेमाइना ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में और पेलियो स्पाइनोथैलिमिक ट्रैक्ट के जो सी फाइबर्स होते हैं वो हमारे सेकेंड लेमाइना ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में टर्मिनेट करते हैं इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरोन सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरोन डेक्यूसेट एंड असेंड अप इन द कॉन्ट्रालेटरल लेटरल स्पाइनोथेलमिक पाथवे अब हम इस पॉइंट को एक डायग्राम से समझते हैं देखिए जो हमारे सी फाइबर्स थे मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन वो एंटर करते हैं डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में और टर्मिनेट कर जाते हैं लेमाइना टू में उसके बाद जो हमारे सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है वो लेमाइना टू से ऑरिजिनेट करेंगे क्रॉस करेंगे मतलब डेक्यूसेट करेंगे और असेंड कर जाएंगे हमारे कॉन्ट्रालेटल मतलब अपोजिट साइड के स्पाइनो थैलमिक पाथवे में स्पाइनोथैलमिक मतलब स्पाइनल कॉर्ड और थैलमस के बीच में जो पाथवे है वहां पे असेंड कर जाएंगे उसके बाद द फाइबर्स आर मोर मीडियली प्लेस्ड इन स्पाइनोथैलमिक ट्रैक्ट तो हमें पेन पाथवे में पेलियो स्पाइनोथेलमिक पाथवे पढ़ना है और नियो स्पाइनोथेलमिक पाथवे पढ़ना है अगर इनका कंपैरिजन करें तो जो पेलियो स्पाइनोथेलमिक पाथवे के फाइबर्स होते हैं वो मोर मीडियली प्लेसड होते हैं बिकॉज ये है हमारी मिड लाइन तो ये मोर मीडियली प्लेसड होते हैं एज कंपेयर टू नियो स्पाइनोथेलमिक पाथवे अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन का वो है इन द ब्रेन स्टेम ऑन देयर वे टू थैलमस फाइबर्स प्रोजेक्ट टू थ्री मेजर न्यूक्लियर ग्रुप फॉर्मिंग थ्री सब सिस्टम यहां पर आप देख सकते हैं यह है हमारा सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरोन इसको जाना था थैलेमस पे बट कुछ फाइबर्स हमारे प्रोजेक्ट कर जाते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन पे कुछ फाइबर्स मिड ब्रेन के न्यूक्लियर पे प्रोजेक्ट कर जाते हैं और कुछ हाइपोथैलेमस पे जिससे हमारा तीन सब सिस्टम बन जाते हैं एक तो हमारा स्पाइनोथैलेमिक सिस्टम ऑलरेडी था बट तीन सिस्टम और बन जाते हैं एट द लेवल ऑफ मेड्यूला फाइबर्स प्रोजेक्ट है रेटिकुलर फॉर्मेशन और यह किस लेवल पे हमारे मेड्यूला के लेवल पे और इसी वजह से क्या बन जाता है हमारा स्पाइनो रेटिकुल पाथवे तो यह पहला सब सिस्टम है दूसरा सब सिस्टम है फाइबर्स ऑल्सो प्रोजेक्ट हैविली टू द मिडब्रेन न्यूक्लियर स्पाइनोमीजन सिफेलिक फाइबर्स तो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के जो कुछ फाइबर्स हमारे मिडब्रेन न्यूक्लिया पे प्रोजेक्ट करते हैं स्पेशली हमारा पेरी एक्विडेक्टल ग्रे न्यूक्लिया है उस पर प्रोजेक्ट करते हैं और बना लेते हैं स्पाइनोमीजन सिफेलिक फाइबर्स थर्ड सब सिस्टम हमारा बनता है फाइबर्स ऑल्सो प्रोजेक्ट टू हाइपोथेलमस फॉर्मिंग स्पाइनो हाइपोथेलमिक फाइबर सिस्टम तो हाइपोथेलमस में भी हमारे फाइबर्स प्रोजेक्ट करते हैं जिससे हमारा स्पाइनो हाइपोथैलेमिक फाइबर सिस्टम बन जाता है तो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन डेक्यूसेट करेंगे मतलब क्रॉस करेंगे उसके बाद असेंड करेंगे कॉन्ट्रा मतलब अपोजिट साइड के स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट में और मिडब्रेन में ये तीन सब सिस्टम बनाते हैं बिकॉज फाइबर्स प्रोजेक्ट करते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन पे मिडब्रेन के न्यूक्लियर पे और हाइपोथेलमस पे अब ये तीनों चीजें होती क्या है इनके फंक्शन क्या होते हैं ये मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ इसके बाद है हमारे थर्ड ऑर्डर न्यूरोन्स इन द दैलमस सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन्स टर्मिनेट मेनली इन द मीडियल न्यूक्लियर ग्रुप द मिडलाइन एंड इंट्रालेमाइनर न्यूक्लिया जिनको हम नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई भी बोलते हैं तो थैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं तो पेलियो स्पाइनो पाथवे के सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन कहाँ टर्मिनेट करते हैं मिडलाइन और इंट्रालेमाइनर न्यूक्लिया को और इन दोनों को मिला के हम नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लिया भी बोलते हैं और मीडियल न्यूक्लियर ग्रुप भी बोलते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वहां वो टर्मिनेट कर रहे हैं हमारे नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लिया में मतलब मिडलाइन एंड इंट्रा लेमाइनर न्यूक्लिया में इसके बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यहां से ओरिजिनेट करेंगे और डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स को प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये देखिए आप बहुत ज्यादा वास्ट एरिया है जिसको ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग लिम्बिक सिस्टम लास्ट हम देखेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ पेलियो स्पाइनोथेलिमिक पाथवे तो पहला पॉइंट है बिकॉज ऑफ नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शन ऑफ पेलियोस्पेनोथेलमिक फाइबर्स दैट ट्रांसमिट द स्लो पेन द स्लो पेन इज पुअरलीकलाइज मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था जो हमारा स्लो पेन है वो पुअरली उसका रीजन ये है देखिए। अब सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन रेटिकुलर फॉर्मेशन पे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं मिडब्रेन पे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हाइपोथैलेमस पे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमारे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन एक लोकलाइज्ड पोजीशन पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंक्लूडिंग लिम्बिक सिस्टम तो इसी नॉन स्पेसिफिक प्रोजेक्शन की वजह से जो हमारा स्लो पेन है वो पुअरली लोकलाइज होता है थ्रू इट्स प्रोजेक्शन टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन स्लो पेन कीप्स पर्सन अवेक तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ न्यूरोन जो होते हैं वो हमारे रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी प्रोजेक्ट करते हैं अब रेटिकुलर फॉर्मेशन होता क्या है ये एक इंटरकनेक्टेड न्यूक्लियर है जो हमारे ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होता है और इसका काम क्या होता है इट प्रमोट अराउजल एंड कॉन्शियसनेस तो इसी वजह से स्लो पेन जब स्लो पेन के फाइबर्स एक्टिवेट होते हैं तो पर्सन अवेक रहता है यही ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं थ्रू इट्स कनेक्शन विद द लिम्बिक सिस्टम तो यहाँ पर मैंने बताया आपको जो थर्ड ऑर्डर न्यूरोन है वो कहाँ पर प्रोजेक्ट करते हैं कॉर्टेक्स में इंक्लूडिंग लिबिक सिस्टम थ्रू इट्स कनेक्शन विद लिम्बिक सिस्टम दिस पाथवे इवोक्स द इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ पेन लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होता है इट डील्स विद इमोशन एंड मेमोरी इसी वजह से पेलियो स्पाइनोथेलमिक पाथवे इवोक करता है मतलब प्रोड्यूस करता है इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ पेन फोर्थ पॉइंट है थ्रू इट्स हाइपोथैलेमिक कनेक्शन इट मीडिएट्स ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होपफुली आपको ये वाला पॉइंट तो समझ आ गया होगा इसमें कोई समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है लास्ट पॉइंट है ये वाला जो पाथवे होता है मोटिवेशनल इफेक्ट कॉम्पोनेंट ऑफ पेन को भी मीडिएट करता है वो कैसे देखिए जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरोन थे वो मिड ब्रेन न्यूक्लिया के पेरी एक्विडेक्टल ग्रे पे भी प्रोजेक्ट कर रहे थे और पेरी एक्विडेक्टल ग्रे का काम क्या होता है इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन ऑटोनॉमिक फंक्शन एंड मोटिवेटेड बिहेवियर इसी वजह से ये जो ये वाला पाथवे है मोटिवेशनल इफेक्ट कॉम्पोनेंट ऑफ पेन को भी मीडिएट करता है सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट पेलियोस्पाइनोथेलोमिक पाथवे अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू जिससे आपको ये वाला टॉपिक याद हो जाए तो हमने सबसे पहले देखा कि जो पेन है हमारा लेटर स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट कैरी करके ले जाता है पेन के दो पाथवे होते हैं पेलियो स्पाइनोथेलमिक पाथवे जो स्लो पेन को कैरी करते हैं और न्यू स्पाइनोथेलमिक पाथवे जो हमारे फास्ट पेन को कैरी करते हैं सी फाइबर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर न्यूरोन कहाँ से ओरिजिनेट होता है हमारे विसरल या फिर डीप सोमैटिक स्ट्रक्चर से एंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के डॉर्सल हॉर्न में और टर्मिनेट कर जाते हैं लेमाइना टू में उसके बाद जो हमारे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो क्रॉस करते हैं मतलब डेक्यूसेट करते हैं मिडलाइन को और कॉन्ट्रालेट्रल स्पाइनोथेलोमिक ट्रैक्ट में असेंड करते हैं ऑन द वे टू देयर थैलोमस सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन प्रोजेक्ट हैवीली टू रेटिकुलर फॉर्मेशन मिड ब्रेन के न्यूक्लिया में स्पेशली पेरी एक्वीडेक्टल ग्रे एंड हाइपोथेलोमस इसके बाद वो टर्मिनेट कर जाते हैं हमारे नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लिया मतलब इंट्रालेमाइनर एंड मिडलाइन न्यूक्लिया उसके बाद जो हमारे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वो ऑरिजिनेट करते हैं नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लिया से और प्रोजेक्ट करते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन में डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉटेक्स इंक्लूडिंग लिम्बिक सिस्टम लास्ट हमने देखे थे स्पेशल फीचर्स ऑफ पेलियो स्पाइनोथैलिमिक पाथवे जिसमें सबसे पहला पॉइंट था स्लो पेन पुअरली लोकलाइज्ड होता है बिकॉज फाइबर्स बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं अलग अलग एरियाज़ पे उसके बाद रेटिकुलर फॉर्मेशन के कनेक्शन की वजह से पर्सन अवेक रहता है मिड ब्रेन के कनेक्शन की वजह से मोटिवेशनल इफेक्ट ऑफ कंपोनेंट को मीडिएट करता है ये वाला पाथवे और हाइपोथैलेमस के कनेक्शन की वजह से ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सिस को जनरेट करता है और लिम्बिक सिस्टम के कनेक्शन की वजह से इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पेन को भी ये वाला पाथवे मीडिएट करता है सो so गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे और इंस्टाग्राम की आईडी पे मिल जाएंगे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू